दोस्तों आप सभी ने आरआर मूवी को तो जरूर देखा होगा। यह मूवी एक खतरनाक एक्शन वाली मूवी होती है। हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इन खतरनाक एक्शनों को हकीकत के अंदर किस प्रकार फिल्माया गया है। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आरआर मूवी में ट्रेन में आग लगने वाले सीन को BFS टेक्नोलॉजी की मदद से फिल्माया गया है। जी दोस्तों आप देख सकते हैं रेल के जो डब्बे हैं उन्हें दोस्तों रस्सी के सारे पानी के नीचे गिराया जा रहा है जिसे BFS टेक्नोलॉजी के माध्यम से फिल्माया गया है। दोस्तों इस RR मूवी में बहुत ही खतरनाक एक्शनों को फिल्माया गया है जिसे SS राजामौली के निर्देशक में यह फिल्म बनाई गई हुई है। अब दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हो इस मूवी में जो आपको यह पुल दिखाई दे रहा है दोस्तों इस पुल को भी इंडोर के अंदर ही फिल्माया गया है और दोस्तों BSF टेक्नोलॉजी के द्वारा ही इसे दोस्तों दर्शाया गया है कुछ इस प्रकार से। नदी में मछली पकड़ रहे बच्चे की नाव को कुछ इस प्रकार से गिराया गया है जिस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हो इस एक्शन मूवी के अंदर। जी दोस्तों RR मूवी के अंदर जो आप ये पुल देख रहे हो दोस्तों इसकी डिजाइन कुछ इस प्रकार से की गई है जिसे देखने में ये बहुत ही शानदार और देखने वालों को बहुत ही रोचक लगे। और दोस्तों इस सीन को CGI टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोस्तों इसे फिल्माया गया है RR मूवी के अंदर जो काफी ही शानदार दिखाई दे रहा है। RR मूवी में पुल वाले सीन में दोस्तों रामचरण और जूनियर NTR इस बच्चे को बचाने के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों जो घोड़ा इस्तेमाल करते हैं और जो बाइक इस्तेमाल करते हैं उसे दोस्तों जो रामचरण है वो अपनी पीठ के ऊपर रस्सी बांध लेता है। दोस्तों इस सीन को कुछ इस प्रकार से फिर फिल्माया गया है जो देखने में काफी शानदार और रोचक दिखाई दे रहा है। दोस्तों अभी तक आपने RRR मूवी यानी कि RR मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों इस मूवी को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए क्योंकि दोस्तों इस मूवी के अंदर बहुत ही शानदार दोस्तों सीन और विजुअल्स दिखाए गए हैं जिन्हें देखकर दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे और भी बहुत ही शानदार विजुअल्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब।